G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। आज ही प्रधानमंत्री के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता, पीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। G20 के लिए सुबह से ही विदेशी मेहमानों के आने जाने का सिलसिला शुरू। दिल्ली पहुंची इटली की प्रधानमंत्री, थोड़ी देर में पहुंचेंगे ब्रिटेन और जापान के प्रधानमंत्री। G20 के दौरान कई द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 दिनों में 15 से अधिक द्विपक्षीय वार्ता, आज से 10 सितंबर तक दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत। G20 के रंग में रंगी पूरी दिल्ली, मेहमानों के भव्य स्वागत की तैयारी। प्रधानमंत्री के ट्विटर कवर पेज पर लगी भारत मंडपम की तस्वीर, जमीन से आसमान तक G20 की रौनक। G20 पर राष्ट्रपति के डिनर में नीतीश और ममता समेत कई मुख्यमंत्री होंगे शामिल। नहीं आएंगे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के सीएम। कल के डिनर के लिए मनमोहन सिंह को भी न्योता। त्रिपुरा उपचुनाव में विधानसभा की दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत। 5 राज्यों की एक एक सीट पर मतगणना जारी। उत्तराखंड के बागेश्वर में बीजेपी तो यूपी के घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी को बढ़त। मुंबई के पवई में एयर होस्टेस की हत्या के आरोपी ने की खुदकुशी, लॉकअप में खुद को लगाई फांसी। 3 सितंबर को पुलिस ने आरोपी विक्रम को किया था गिरफ्तार। भारी बारिश और बाढ़ से हांगकांग में बड़ी तबाही। करीब 140 साल बाद एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। सड़क और घरों में घुसा बाढ़ का पानी। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल।